तो हेलो, कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लैश ऑफ क्लैन की 8th एनिवर्सरी चल रही है एंड अपने को स्टैचू तो मिल चुका है, फाइनली अपने को केक भी मिल चुका है एंड केक का इंतजार मैं पिछले 2 दिनों से कर रहा था। सो आज आखिरकार ये अपने को मिल चुका है। सो गाइस, अभी हम लोग इस केक के साथ 2 चीजें कर सकते हैं, या तो रिमूव या फिर मूव, लेकिन हम लोग इसको रिमूव नहीं करने वाले। सो ऑब्वियस ही बात है, मूव करेंगे, अपनी कलेक्शन में लगाएंगे। वैसे अभी हमारी कलेक्शन ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें यहाँ पे एंड ये तीसरी हो जाएगी। अभी हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पे शावल ऑफ स्टैकल एंड ये हो गया डन। ओके गाइज, अभी हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं, ग्लोबी लालटेन है, एक्समस ट्री है एंड 8th एनिवर्सरी केक है हमारे पास। सो 3 चीजें हो चुकी है हमारी कलेक्शन में, आगे भी इसको बढ़ाएंगे। एनीवेज गाइज, अभी क्लैन वॉली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पे चल रहा है एंड अभी तक हम लोगों ने अपना अटैक नहीं किया है। सो हम लोग अपना अटैक करेंगे नंबर 3 के ऊपर। अभी हमारे 26 हो चुके हैं, अपोनेंट्स के हैं 31। सो गाइज, नंबर 3 को एक बार विजिट भी कर लेते हैं। ये रहा भाई नंबर 3 का बेस, काफी कॉमन बेस है, पुशिंग में भी बहुत सारे बंदे इस बेस को यूज करते हैं एंड आप लोगों को तो पता है हमारे पास पुशिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लानिंग हम लोग ने यहाँ पे कर रखी है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड यूज करेंगे एंड यहाँ पे डालेंगे अपनी क्वीन, ठीक है, जो या तो इस तरफ आएगी या फिर इस तरफ आएगी। अगर हमारी जो क्वीन है वो इस तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल ब्रेक करेंगे। अगर इस तरफ आती है तो यहाँ पे वॉल ब्रेक करेंगे एंड टाउन हॉल को डाउन कर लेंगे। एक्सपोज अपने को मिल जाएगी, अपोनेंट का किंग मिल जाएगा एंड सीसी भी अपने को मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर हमारी क्वीन इस तरफ आती है तो हम लोग यहाँ पे अपना किंग डालेंगे एंड सीख बैरक्स डालेंगे एंड फनल बनाएंगे अपने माइनर्स एंड हॉग राइडर्स के लिए। यहाँ से हम लोग डाल देंगे अपने माइनर्स एंड हॉग राइडर्स को और अपने को हीलिंग स्पेल का ध्यान रखना है। अगर इस तरफ आती है क्वीन तो यहाँ पे किंग एंड सीख बैरक्स को डाल देंगे एंड यहाँ से आ जाएंगे अपने माइनर्स हॉग राइडर्स, ठीक है। प्लानिंग हमारी काफी सिंपल है, देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पे 3 स्टार निकाल पाएंगे या फिर नहीं। सो गाइस, अभी हम लोग चलेंगे अटैक के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि हम लोग अटैक के ऊपर चले, आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दबाने से बंदा चैनल पे फर्स्ट आता है। आज लाइक हम कितना करें भाई, कितना करें 3000 लाइक्स का करते हैं, लाइक नहीं कर रहे हो भाई आजकल आप लोग, इसलिए लाइक हम छोटा करते हैं। 3000 लाइक्स का एम है, फटाफट से लाइक एम कंप्लीट करवा देना और हाँ गाइस, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो बाइक चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। A few moments later. So guys, अभी आर्मी हमारी रेडी है, हम लोग यहाँ पे 2 सुपर वॉल वेकर्स यूज कर रहे हैं, हालांकि अपने को एक ही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे वॉल वेक में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सो इसलिए हम लोग 2 यूज कर रहे हैं। एनीवेज गाइस, देखते हैं भाई क्या होता है। सबसे पहले क्वीन, हीलर्स, कोकोलून, रेज डालनी पड़ेगी क्या? ओके रेज, ओके हेड हंटर आ जाएगा, कम ऑन। ओके क्वीन इस तरफ आ रही है, सो वॉर वेकर भाई, हेड हंटर निकला, यहां पे पॉइजन डालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्लो कर दिया यार इसने मेरी क्वीन को, कम ऑन क्वीन, क्वीन ना बस टाउन हॉल के पास चली आए, मजा आ जाएगा भाई फिर तो। वैसे अभी पूरा सीसी नहीं निकला है, अभी सीसी भी निकलेगा अपोनेंट का, फ्रीज नहीं, फ्रीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे आ जाएगा सीग बैरक्स, किंग आ जाएगा, ओके सीसी भी निकल चुका है पूरा, हेड हंटर दिक्कत देगा भाई अभी, क्वीन की एबिलिटी, माइनर्स, वार्डन, हॉग राइडर्स, रॉयल चैंपियन, भाई क्वीन बाहर की तरफ आ चुकी है, फ्रीज, वार्डन एबिलिटी, चलो भाई चलो, पहली हीलिंग, अटैक तो हमारा एकदम सही जा रहा है, किंग भाई जल्दी 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 यहां पे हीलिंग, ओ भाई साहब क्या हम लोग ने ये वाली हीलिंग स्पेल गलत डाल दी भाई, मुझे लग रहा है हम लोग ने ये वाली हीलिंग स्पेल यहां पे गलत डाल दी, क्योंकि ना ही उसके अंदर कोई हो गया ना ही कोई माइनर गया,
भाई साहब स्कैटर शॉट की हेल्थ भी काफी कम है। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी, कम ऑन भाई। माइनर्स हमारे सारे बाहर की तरफ आ चुके हैं एंड ये चीज मान लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या लगता है भाई ये अटैक थ्रीशर होगा यहाँ पे या फिर नहीं? हमारे पास तीन लूंस यहाँ पे बचे हुए हैं जिसको मैं डालने वाला हूँ बॉम्ब टावर्स के ऊपर। कम ऑन भाई टाइम बहुत कम है यार, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है यार। 92% निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा, निकलना तो चाहिए यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 96, 97, 98, 99। ओ भाई साहब हमारा पहला ही अटैक, पहला राउंड, पहली वॉर, पहला ही अटैक यहाँ पे टाइम फेल 99%। वाह भाई वाह, क्या ही किस्मत है यार अपनी, क्या ही बोलूं यार अब मैं, इतना गंदा लक भाई। इस वॉर को हम लोग हारने वाले हैं। अगर थ्रीशर निकलता भी है हमारी तरफ से हमारा लास्ट वाला अटैक, तब भी हम लोग इस वॉर को हारने वाले हैं। अरे यार 99% कैसे भाई, शिट भाई उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग थ्रीशर निकाल भी लेंगे तब भी हम लोग इस वॉर को जीतने नहीं वाले हैं। चलो कोई ना यार, जो हुआ सो हुआ। ये था गाइस हमारा टनल 13 से अटैक, हम लोग चलते हैं अभी अपने टनल 12 के ऊपर। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टनल 12 के ऊपर एंड हम लोग इस बेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं। रिंग बेस है तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं भाई फटाफट से अटैक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ पे अपने वार्डन को एंड ये दोनों के दोनों विजार्ड टावर्स अपने को यहाँ पे डाउन करने हैं, ठीक है। वार्डन हिलर्स कोकोलून की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोकोलून डालूंगा तो सीसी यहाँ पे निकल जाएगा जो कि हमारे वार्डन को दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे एक येटी, उम्मीद करते हैं एक विजार्ड टावर यहाँ पे डाउन हो जाए। हो पाएगा क्या? ओके भाई एक विजार्ड टावर तो यहाँ पे डाउन हो गया। वार्डन यहाँ पे सेकंड वाला विजार्ड टावर को भी डाउन कर लेगा, यहाँ पे जंप आ जाएगी एंड हम लोग यहाँ पे बैट अपलिंप यूज करने वाले हैं। एक येटी यहाँ पे, क्या ये वाला विजार्ड टावर मिल पाएगा? अगर मिल जाए ना ये वाला भी तो भाई मजा आ जाएगा यार। यहाँ पे आइस गोलम, सुपर विचिस, किंग, क्वीन एंड पॉइजन, रेज, बैलून्स, बैट ब्लिंप, वार्डन की एबिलिटी। ओके भाई टाउन हॉल अपने को मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास स्नीकी गोब्लिन है, लेकिन क्या अपने को इगलाटी मिल पाएगी? ओके भाई क्वीन यहाँ पे आ चुकी है तो इगलाटी भी अपने को मिल जाएगी, लेकिन वो वाला विजार टावर नहीं डाउन हो पाया। ओके अभी हम लोग कहाँ से बैटिंग स्टार्ट करें? ऐसा करते हैं ना, यहाँ से करते हैं इस वाले विजार टावर से। यहाँ पे एक आइस गोलम आ जाएगा, पीछे से आ जाएंगे बैट स्पेल, एक विजार्ड, फ्रीज, बैट्स बचा के रखने हैं भाई अपने को। फ्रीज, एक और फ्रीज, कम ऑन भाई। ओ भाई साहब टोर्नेडो ट्रैप, बच गए। ओ भाई बच गए यार अपने बैट से यहां पे। हो निकल गया भाई ये वाला अटैक यहाँ पे निकल गया थ्रीशर 88%, 89%, 90% एंड हाँ भाई निकल गया यार ये वाला अटैक भी थ्रीशर यहाँ पे। टोर्नेडो ट्रैप में आखिर में अपने को थोड़ी सी दिक्कत दी थी लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अभी यहाँ पे बिग बॉय तीनों के तीनों एक साथ चल रहे हैं, सो ये निकलेगा यहाँ पे थ्री स्टार बाई सुपर विच, सच में बहुत ज्यादा ओपी है टाउन हॉल 12 के ऊपर। सो गाइज टाउनल 13 पे तो हम लोगों ने फेल कर दिया, 99% आया, लेकिन टाउनल 12 पे हम लोगों ने थ्री स्टार कर लिया। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।